भगवान गणेश को हम विघ्नहर्ता भी कहते हैं और उनके बारे में हम बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं जो कि लगभग सब लोगों को पता है, पर आज मैं आपको 5 ऐसे अननोन फैक्ट्स बताऊंगा गणेश भगवान के बारे में जो शायद आप लोगों को भी ना पता हो। तो ओम गणेशाय नमः कह के स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, तो इंडोनेशिया जो देश है उसको आपको पता है उसकी पॉपुलेशन मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम लोग हैं और उसमें हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ का जो 20,000 रुपये का जो नोट हुआ करता था उसमें गणेश जी की फ़ोटो थी, तो बहुत ही अनबिलीवेबल सा फैक्ट है ना कि जो कंट्री मुस्लिम कंट्री है वहाँ पे जो नोट है उसमें किसी हिंदू गॉड का फोटो। फैक्ट नंबर 2, आप जब भी किसी भी भगवान को देखते होंगे और गणेश जी की फ़ोटोज़ भी देखते होंगे तो आपको उनके स्किन का कलर लगता होगा एकदम स्किन कलर टाइप का, मतलब वही ऑरेंजिश टाइप का जो बाकी गॉड्स का कलर होता है। पर एक्चुअल में अगर गणेश जी का रियल कलर बताया जाए तो उनका कलर स्किन कलर नहीं होता है, ग्रीन एंड रेड होता है। और ये किसके हिसाब से? शिव महापुराण के हिसाब से। फैक्ट नंबर 3, ये गणेश जी के जन्म से रिलेटेड है और इसको लेके हमें बहुत सारी स्टोरीज मिलती रहती हैं अलग अलग पुराणों में, पर अगर देखा जाए तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के हिसाब से गणेश जी का जन्म ऐसे हुआ था कि पार्वती जी ने पुण्य व्रत रखा था, फिर भगवान कृष्ण आए थे एक बच्चे के फॉर्म में पार्वती जी के यहाँ। फैक्ट नंबर 4, ये थोड़ा कॉमन सा फैक्ट है और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो कमेंट्स में नीचे बताइएगा कि आपको ये फैक्ट ऑलरेडी पता था कि नहीं। तो जब महाभारत एपिक लिखी जाने वाली थी तो व्यास जी ने उसको रिसाइट किया था, बोला था, और गणेश जी ने लिखा था। बस उसमें शर्त एक ही थी कि वो विदाउट इंटरप्शन, विदाउट किसी रुकावट के लिखी जाए। आखिरी फैक्ट जो है फैक्ट नंबर 5, और इस फैक्ट में मैं कहीं ना कहीं जो फैक्ट नंबर हमारा 1 था उसका एक्सटेंशन दूंगा। मैंने वहाँ पे सिर्फ इंडोनेशिया के बारे में बताया, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि गणेश जी की पूजा सिर्फ इंडिया में, भारत में ही नहीं, बहुत सारे देशों में की जाती है। इसमें से मैं कुछ कंट्रीज़ का यहाँ पर नाम लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले तो बुद्धिज़्म की बात कर लेते हैं। तो बुद्धिज़्म में इनको विनायक कहा जाता है और ये यहाँ पर चाइना और जापान, यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। और यहाँ तक कि US की सिलिकॉन वैली में भी भगवान गणेश को गॉड ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो मतलब ओवरऑल पूरे विश्व में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। तो यही थे भगवान गणेश के बारे में 5 फैक्ट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।